ओके गाइस, आज की कंप्लीट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ गेमिंग लैपटॉप्स के क्या क्या प्राइजेस चालू एसपी रोड बैंगलोर में। तो कैसे हो गोविंद सर? बस एकदम बढ़िया सर। गोविंद सर, एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गेमिंग लैपटॉप्स के क्या क्या प्राइजेस चालू है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका शॉप कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड एक्जैक्टली बैंगलोर में कहाँ पे आते हैं वो हमें जरा बताएं। यस, एक्जैक्टली अपना स्टोर है वो एसपी रोड बैंगलोर में, एंटर होते ही लेफ्ट साइड में 7 नंबर नियर बाई टाउन हॉल, और स्टोर नंबर है 112। सर अभी ऑनलाइन में बहुत सारे प्राइजेस चल रहे, डिस्काउंट चल रहे, तो ऑफलाइन में आप कैसे कैटर कर रहे हो गेमिंग लैपटॉप्स के मामले? बिल्कुल, जो ऑनलाइन प्राइस चल रहे हैं उससे और भी हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं आज की टाइम जो ऑफर टाइम के प्राइसिंग में। और सर स्टार्ट करते हैं अभी गेमिंग लैपटॉप्स में, सबसे बजट गेमिंग लैपटॉप्स क्या रेंज से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, अगर हम 13 जन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग होगा अपना 65,000 से। अगर हम स्टार्टिंग लेते हैं 12 जनरेशन और 30, तो स्टार्टिंग हम लेते हैं इसमें आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में i5 12 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD और RTX 3050 और विंडोज 11 के साथ। तो ASUS ट्रप में आपको प्राइसिंग स्टार्टिंग पड़ेगा i5 12 जनरेशन के साथ 68,000। और इसी में हम बात करते हैं 13 जनरेशन के साथ, तो i7 13 जनरेशन 16GB रैम, 512 SSD, RTX 4050, विंडोज 11, तो उसका आज का जो करंट प्राइस है 1,24,000। ओके, और सर किसी का अगर बजट रहेगा 50-60 के बीच में तो उनका क्या एक रेंज रहता है? यस, उनका अगर 13 जन मिलेगा तो उसमें आपको RTX 2050 सीरीज के साथ 13 में जाना पड़ेगा, या फिर i7 12 विद RTX 2050 50-60 की रेंज में आराम से मिल जाएगा i5 12 विद RTX 2050, नहीं तो उससे और भी पुराने में जा सकते हो 11 जनरेशन, इसे अच्छा है कि i5 12th में जाए। आते हैं नेक्स्ट इसमें सर, नेक्स्ट कौन सा? अपना नेक्स्ट है Acer का Nitro i5 13 जनरेशन, इसके अंदर आपको दोनों वेरिएंट है, 8GB रैम, 16GB वाला रैम और 512GB SSD और RTX 3050 6GB ग्राफिक कार्ड के साथ। तो अगर 8GB वेरिएंट वाले की बात करें तो प्राइस आपको पड़ रहा है 68,000 और 16GB वाले का पड़ रहा है 70,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST। और उसमें अगर सर ये तो इंटेल हो गया, Ryzen आते हैं, Ryzen में भी वेरिएंट? बिल्कुल, इसमें सेम Nitro का Ryzen 7 7000 सीरीज विद RTX 3050 6GB ग्राफिक कार्ड, तो उसका कॉस्ट पड़ रहा है अपना 72,000। 7000 सीरीज विद RTX 3050 6GB ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट है अपना ASUS का ROG इंटेल के साथ सबसे कम प्राइस में i7 13 जनरेशन, 16GB रैम, 512 SSD, RTX 3050 6GB ग्राफिक कार्ड, जो कि आज के टाइम में मार्केट में RTX 3050 के साथ 6GB है, RTX 4050 भी 6GB है, परंतु RTX 3050 में 6GB है लैपटॉप में। तो इसका जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है i5 13 जन 16 512 3050 16 इंच डिस्प्ले के साथ, जो कि है अपना 85,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST, और आज का ऑनलाइन प्राइस है 95,000। ये है i5। अगर हम इसमें बात करते हैं i7 13 जन G16 के साथ, तो 16GB 1TB 40-50 6GB, तो ऑनलाइन प्राइस 1,52,000 है, अपना स्टोर का प्राइस है 1,38,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST 40-50। अगर 40-60 जाएंगे तो 1,58,000 G60। ओके, और इसमें अगर Ryzen देखने जाए तो? अगर Ryzen के साथ जाएंगे तो 6000 सीरीज के साथ अवेलेबल है अभी तक मार्केट में, 7000 अभी तक ROG में नहीं आया है। इसमें आपको 6000 सीरीज के साथ Ryzen 7 6800H 16 512 RTX 3050, तो स्टार्टिंग है 85,000। आते हैं सर अभी नेक्स्ट इसमें। यस, Lenovo अपना नेक्स्ट है लीजियन सीरीज, जो कि i7 13 जनरेशन 16GB रैम वाला भी वेरिएंट है, 32GB वाला भी है, 16GB 1TB विद 40-60। अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे इंटेल i7 13 जन में, तो आपको पड़ेगा 1,42,000 i7 13 जन विद 40-60। अगर इसके अंदर आपको 32GB वाले के साथ जाओगे तो 1,45,000। अगर इसमें हम जाते हैं Ryzen 7 7000 सीरीज विद RTX 3050 विद 6GB, तो उसका कॉस्ट पड़ रहा है 1,05,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST Ryzen 7 7000 सीरीज। अगर हम इसके बात करें 5800 तो 6800 वो और भी प्राइस कम है। अगर हम 5 प्रो की बात करते हैं नॉर्मली अपने जो कि 5800 है, उसका प्राइस है 95,000। अगर 6000 सीरीज की बात करें तो 1,05,000, तो 7 प्राइस में आपको 7000 सीरीज मिल रहा है। ओके, और गाइस मैं पहले ही स्पेसिफाई कर दूं, ये सारे जितने भी लैपटॉप्स है ये सारे डेमो यूनिट्स है। Correct. बहुत लोग बोलते हैं सर कि ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं एसपी रोड बैंगलोर में, बहुत लोग सेल करते हैं, पर कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड सिर्फ बॉक्स पैक यूनिट में डील करता है। अपने पास जो भी प्रोडक्ट है ओनली फॉर सील्ड पैक ही मिलेगा और बॉक्स पैक ही मिलेगा, सेकेंड हैंड में कोई भी हम डील नहीं करते। ओके, और गाइस मेन थिंग है आप शॉप पे आके सारे जो डेमोज है एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, जिससे आप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके बाद में आपका परचेस डिसाइड करें। वही ऑनलाइन ऑफलाइन फर्क है ना, ऑनलाइन में वो सब ऑप्शन नहीं मिलता, ऑफलाइन आएंगे तो एक बार देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद फाइनल लेने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। राइट, आते सर MSI के ऊपर। यस, MSI का ये है अपना कटाना i7 13 जनरेशन विद 40-60, जो कि इसका कॉस्ट पड़ रहा है अपना 1,05,000 i7 13 जनरेशन 16
16GB 512 with 4060, तो इस प्राइस में दूसरा कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये MSI का कर्दाना है जो कि 1,05,000। अगर हम कम में बात करें i5 12th जनरेशन विद RTX 2050 तो साइबर सीरीज मिल रहा है हमें 15 इंच, जो कि प्राइस हमें मिलेगा 54,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST। i5 12th जनरेशन विद RTX 2050 MSI साइबर। ओके, और इसमें GF सीरीज भी आता है जो बहुत ही बजट सेगमेंट में आया है। वो बहुत बजट है, परंतु उसमें अभी तक 12th जनरेशन 13 नहीं है, उसमें 11 तक इनफ है। ओके आते सर अभी नेक्स्ट इसमें, ये है अपना Ryzen 6000 सीरीज जो कि 16GB 1TB विद RTX 3060 के साथ, तो इसका जो कॉस्ट पड़ रहा है 1,05,000 विद 3060 6GB के साथ। और ये Legion सीरीज है, ये Legion 5 Pro सीरीज है। नेक्स्ट है अपना HP का Victus जो कि i5 12th जनरेशन, 8GB RAM, 1TB SSD, GTX 1650 भी अवेलेबल है, RTX 2050 भी अवेलेबल है। तो ये अपने पास वेरिएंट है इसका i5 12th जनरेशन, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX 1650 का कॉस्ट पड़ रहा है 61,000। अगर RTX 3050 जाते हैं तो 64,000 और 16GB वाले का 65,000। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं 7000 सीरीज की, तो उसमें आपको विद जो RTX 3050 Ryzen 7 वाला वेरिएंट है विद RTX 3050 उसका कॉस्ट पड़ रहा है 78,000 विद 6GB ग्राफिक कार्ड Ryzen 7 7000 सीरीज के साथ। पहले क्या था मार्केट में, आपको अगर 6GB लेना है तो ओनली फॉर i7 में जाना पड़ता था या Ryzen 7 में, वो भी 1,00,000 तक। आज के टाइम ऐसा नहीं है, RTX 3050 6GB अवेलेबल है अंडर 80,000 के अंदर। ओके और ये जो ऑनलाइन भी प्राइस चला था इससे भी कम है, लाइक 4,000 to 5,000 रुपीज का डिफरेंस है आपके जो कि ऑफर प्राइसिंग से आज के टाइम में 85,000 है, जो कि मैंने विक्टस का बोला अपने पास स्टोर में अवेलेबल है 78,000 में। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं Acer Predator की, जो कि अपने पास ये 2022 वाला है, परंतु अगर इसके अंदर 2023 वाला और भी अवेलेबल है तो ये है एक्चुअली 2022 का प्राइस है i9 12th जनरेशन विद RTX 3060 1,10,000। अगर हम इसके अंदर अभी बहुत सारे आगे i7 13th जनरेशन और i5 13th जनरेशन 16GB 512GB RTX 4050 तो उसका कॉस्ट अपने पास अवेलेबल ऑनलाइन में 1,00,000 का चल रहा है, परंतु अपने स्टोर में अवेलेबल ओनली 492,000 इंक्लूडिंग ऑफ GST i5। अगर हम बात करते हैं सेम वेरिएंट i7 की, i7 13 16 512 RTX 4050 उसका अपने स्टोर में अवेलेबल है ओनली 4,01,000 में, जो कि ऑनलाइन प्राइस में चला है 1,05,000 और 1,10,000 और 1TB वेरिएंट का 1,02,000। अगर हम 4060 4070 वो भी अवेलेबल है, 4060 की बात करते हैं तो सेम i7 13 जन आपको पड़ रहा है 1,35,000। ओके और सर देखने जाए 4060 में सबसे बेसिक जो बजट सीरीज आती है, बजट गेमिंग सीरीज, करेक्ट, 4060 में क्या रेंज से चालू हो रही है? 4060 में वैसे अपने पास MSI का सर 1,05,000। ओके 8GB ग्राफिक कार्ड आते हैं Asus पे, ये है अपना Asus का 12th जनरेशन, ये एक्चुअली Asus टॉप में सबसे कम 12th जनरेशन विद 4060 i7 12th जन 16GB 512 विद RTX 4060 ओनली फॉर 1,05,000 Asus टॉप में i7 12th जनरेशन जो कि 12th जनरेशन 14 कोर के साथ है, 16GB RAM, 512 SSD, 4060 1,05,000। अगर हम इसके साथ i7 13 है तो उसके साथ 4050 4060 ऑलरेडी मैंने आपको पहले प्राइस दिया है। तो सर अभी आते जरा डेल में भी गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जरा बता। बिल्कुल, ये है सर अपना i5 12th जनरेशन 16GB RAM वो जो कि DDR5 के साथ है, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 और Windows 11 जो कि 16GB वेरिएंट का ऑनलाइन प्राइस 70,000 चला था, अपना प्राइस है ओनली फॉर 65,000। अगर इसमें हम 8GB वाले वेरिएंट लेंगे तो 62,000 i5 12th जनरेशन के साथ विद RTX 3050। अगर इसमें i7 13th जन विद RTX 3050 6GB वाले लेंगे, करंट मार्केट में प्राइस है वो थोड़ा अप है 95, अब ऑनलाइन चल रहा है परंतु वो ऑनलाइन प्राइस है, अपना प्राइस है 88,000। अगर हम बात करें i7 13th जन विद 4060 के साथ तो अपने पास अवेलेबल प्राइस 1,31,000 डेल का G15 i7 13th जनरेशन के साथ। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन प्राइसेस से कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड में 5 to 6,000 या फिर उससे ज्यादा डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, वो था जनरल से बोलते, एक एक कभी कभी मॉडल में और भी ज्यादा डिस्काउंट रहता है। अब नॉर्मली हम बात करते हैं लेनोवो LOQ सीरीज जो की मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, परंतु अभी जो प्राइस सुनने में आया है जो की i7 13th जनरेशन विद 6GB के साथ सबसे कम में मिलेगा, वो आपको कॉस्ट पड़ेगा 78,000 i5 13th जन विद 3050 6GB, और विक्टस में सेम i7 13th विद 6GB वेरिएंट के साथ 3050 में अवेलेबल होने वाला वेरी शॉर्टली। तो गाइस सर को आप पिंग कर सकते हैं उनके बारे में भी। और सर मुझे एक लास्ट चीज पूछना है बिफोर वीडियो एंड करते हम लोग, आपका शिपिंग का प्रोसेस कैसा रहता है, क्योंकि बहुत लोग इसमें बहुत क्यूरियस रहते हैं। बिल्कुल, यार अगर शिप किया तो लैपटॉप टूटा हुआ आया तो क्या होगा, कैसा? नहीं, वो सब जिम्मेदारी हमारी रहेगी, पैकिंग प्रॉपर करके भेजी जाएगी और पेमेंट है वो आपको 100% एडवांस पेमेंट करना होगा, और पेमेंट
करने से पहले एक बार वीडियो कॉल करके कंफर्म कर ले कि हम बात कर रहे हैं वो इसी स्टोर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है वो आपको पेमेंट आगे का प्रोसेस करना होगा। उसके बाद हम इमीडिएटली उसी टाइम को शाम को आपका यहाँ से प्रोसेस कर देंगे। आप तक प्रोडक्ट आने तक की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर डैमेज डिफेक्टिव कुछ भी होता है विद इन 7 डेज के अंदर आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच गोविंद सर। गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग गेमिंग लैपटॉप्स। आई होप को एक कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द विशेस कम टू अस। बाय बाय।